नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मगो वाली पार्ट टू, ये इसलिए हमने कैप्शन में डाला, कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी मगो वाली के कुछ लोग जो कि कबीर ट्रस्ट से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर इल्जाम लगाए थे कुछ लोगों पर कि हमें वहाँ पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, हमारे साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है कुछ उच्च जाति के लोगों के लिए। इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ दूसरी पार्टी के, क्योंकि हमने आमंत्रण दिया था कि अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात को रखना चाहता है तो उनके लिए भी वेलकम है, क्योंकि मीडिया का काम है दोनों पक्षों की बात को प्रशासन और सरकार और आम जनता तक रखना। इस समय आप हमारे सामने जो देख रहे हैं सारे जो बाशिंदे हैं मग्गो वाली के हैं। ऑल कम्युनिटीज जिंदाबाद, मजहब नहीं सिखाता आपस में बह रखना, हम भारतीय, हिंदुस्तान हमारा है, ये कहा गया था उस उन लोगों की तरफ से कि हमें वहां पर सोशल बाइकॉट किया गया है। दुकानों में जाकर ये कहा गया कि इनके बाल नहीं काटने, करियाने की शॉप पर कहा इन्हें सामान नहीं देना, उनके घरों से दूध नहीं उठाया जा रहा था, ये उनके इल्जाम थे। उसी के चलते ST SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR भी दर्ज हुई, FIR ओपन दर्ज हुई, यानी कि किसी का नाम नहीं था पर ब्रीफ में कुछ लोगों के नाम भी थे। इस समय ये लोग भी अपनी बात रखना चाहते, क्योंकि सवाल हम भी इनसे पूछेंगे कि कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है, जो इल्जाम लगाए उनमें कितनी सच्चाई है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सतविंदर सिंह, मैं मगवाली पंचायत से हूँ। सतविंदर सर, कुछ दिन से खबरें चलाई थी हमारे पास, वो लोग दो बार यहाँ पर आए हैं, हमने उनकी बात रखी, आपने भी कहा, हमने उस वीडियो में भी कहा था कि आप लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर इस तरह की चीजें होती ही नहीं है, हर मजहब के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जात पात का तो नाम ही नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की चीजें सामने आना, क्या मैसेज समाज में जाता है? जी, मैं तो यही बोलता हूँ कि समाज को एक बहुत ज्यादा जो इशू चल रहा है, समाज को जो है एक किस्म का बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जो जी समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और हमारे समाज के लोग, जो खाली मग्गो वाली गांव की बात नहीं है, खाली मग्गो वाली गांव की बात नहीं है, जो हमारी जम्मू कश्मीर में जितनी कम्युनिटी है, भगत बरादरी से है, बटवाल कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, बाकी कम्युनिटी से है, तो उनको भी गलत असर जा रहा है इस बात का कि अगर जम्मू कश्मीर में पहली FIR लगी है SC ST एक्ट की, शायद मुझे ये पता चला, तो इसका मतलब है कि उन लोगों को भी, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को भी मिसयूज किया जा रहा है। पर हुआ क्या है, किसने ये सुनिए, अगर पुलिस स्टेशन तक बात आ गई, कोर्ट तक बात आ गई, ऐसी कौन सी इतनी गंभीर बात थी कि आप लोगों की गांव में सुलटाने के बजाय बाहर तक आना? देखो, हम यही बोल रहे हैं कि हम पंचायत के, मैं पंचायत का अदालती कमेटी का चेयरमैन हूँ, जो पहले गवर्नमेंट ने बनाया था, आज तो नहीं है, लेकिन हम अभी चल रहे हैं, हम गांव के फैसले करते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, हम तो ये चाहते थे कि इनका पहला नंबर मसला जो है हमारी पंचायत में आना चाहिए था। अगर पंचायत इनकी बात नहीं सुनती तो फिर ये आगे जाते, फिर कोई ना कोई तो हम फैसला निकालते। लेकिन वो जो जमीन है, वो जमीन है, वो सांझी जमीन है जिसके ऊपर इशू उठा, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, वो उन्होंने गांव का साझा जगह थी, गांव वालों ने बोला, उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर लगाना है, बिजली अगली कैचर के लिए लगाना था ट्रांसफार्मर, उन्होंने बोला कि लगाना है वो सांझी जगह, वहाँ लगा दो। बिजली वालों ने पोल फेंक दिए, इन्होंने बोला कि ये जगह हमारी है, गांव वालों ने बोला कि ये जगह हम आपकी नहीं है, ये सबकी गांव की है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहीं इलीगली, इन्होंने मंदिर के नाम पे, जहाँ किसी दूसरे पिछली संस्था के नाम पे, इन्होंने गांव से पूछे बिना इन्होंने जो है जो जमीन अपने नाम पे करवा ली, क्योंकि गिरदावरी उनके नाम है पूरी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट के नाम है, पहले जो पहले नहीं थी वो पहले नहीं हुई थी, बाद में करवाई गई। लेकिन एक तो बात यह है, आप इस बात को समझो कि वो गांव के साथ एक तो था दुखा तो हुआ ना, मंदिर के नाम पे हुई है, लेकिन हम भी मंदिर पर किसने की, कौन ऑफिसर थे करने वाले, ये जवाब तो आप उनसे ले सकते ना। हाँ, नहीं वो बिल्कुल, वो हम खुद से थोड़ी ना कर, नहीं नहीं उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कराई, जो करने वाले हैं वो अब गवर्नमेंट जो है, हम मीडिया से राई, मीडिया की तरफ से हम बोल रहे हैं कि जो दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये उनके कारण जो हमारा जहाँ पे जातिवाद का इशू बन गया, तो हम ये चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ एक परिवारों को नहीं, सोशल बाइकॉट, सच बोलना, हम ये बोल रहे हैं सोशल बाइकॉट वाली बात नहीं, जब लड़ाई होती है दो आप भाई बहन में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, वो किसी को बीच में अपनी माँ को भी लेता है, अपने प्यो को भी लेता है, सबको लेता है, ठीक है। कुछ वीडियो कुछ हो देखो ना, जो हुआ जो कुछ वीडियो जो वायरल हुए, वो किसी गुस्से में किसी ने बोल दिया या ऐसे करके बोल दिया, डेलिबरेटली किसी को अटैक नहीं किया गया, बाकी किसी को बोलते वो कैसे साबित किया जाता है, गुस्से में बोला गया या ऐसे बोला गया, ये नहीं होता कि अगले के मन पर क्या असर होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर उन्होंने भी तो कुछ बातें बोली है, उन्होंने भी बोली चलो हो गया, बात एक ज्यादा इशू नहीं था, गांव के अंदर का इशू था। लेकिन बात यह है कि वो बात आगे नहीं जानी चाहिए थी, अगर उनको वहां उनको प्रॉब्लम है, उन्होंने पंचायत के पास आनी चाहिए,
मैं तो बोलता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने पंचायत के पास आना चाहिए था, पंचायत फैसला करती, नहीं मानते तो फिर आगे जाते, फिर हम उनको उनको रेजोल्यूशन डाल के देते भी ये गाँव वाले इनके साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने जो बोल रहे हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बेबुनियाद बातें थी लोगों ने। नहीं सर, हम भी तथ्य हम भी तथ्य के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं ना, आप वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपसे बात में भी आपकी आपके भी नोटिस में ना हो, क्योंकि कुछ वीडियोस हम वायरल हम अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जनता में नफरत की दीवारें बीच नहीं बोना चाहते हैं। उस वीडियो में बोला गया है कि दुकान पर जाकर भाई इनके बाल नहीं काट रहे, उसने बोला किसने बोला भाई, पंच साहब ने बोला, ठीक है, कुछ ऐसी वीडियो बोला है, हम 5-6 लोगों को बाइकआउट करते हैं, मतलब सबको नहीं पर कुछ 5-6 परिवारों को किया, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताइए क्या 50 लोग जो गांव में बाकी पगत बरादरी के रह रहे हैं, बटवाल बरादरी के रह रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है? उनके लिए नहीं मना किया? उनके लिए क्यों मना किया? देखो ना, अगर मैं चोर हूँ, अगर मैं चोर हूँ तो मुझे तो चोर हक है। सोशली बायकॉट करना किसने अधिकार दिया? सोशली बायकॉट नहीं किया था उनको, बताइए। नहीं नहीं फिर नाई की दुकान पर, सर नाई की दुकान पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन नाई ने भी लिख के दिया है डीएसपी ऑफिस में, दुकानदारों ने भी लिख के दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी गाँव वालों ने नहीं बोला है, ठीक है। नहीं लेकिन जो हम आपके मीडिया के माध्यम से जो बोलते हैं, उन भाइयों को भी बोलते हैं, यार ये बात जो है जाति बात पे नहीं जानी चाहिए। हम 1947 से हम लोग वहां रह रहे हैं जी। सब एक कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसा कोई नहीं 1947, हम हमारे वहां गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, हर चीज है। हम फंक्शन सारे कॉमन करते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं सब लोग आते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, मंदिर में बैठते हैं सब खाना एक साथ खाते हैं, कोई इशू नहीं है, बर्तनों का इशू नहीं है, किसी दूसरी चीज़ का इशू नहीं है। अगर कोई गुस्से में आके बोले यार मैं, अगर भाई से कोई बल्ला गोचा यार मैं तेरे साथ नहीं रहना, यार रहना था यार रहना, जाके तू बनाने अपने बर्तन बनाने बना ले जा, तू बुला करना अपना सिस्टम करना जा, मकान बना दे जा, रह जाके ऐसे इशू हो जाते हैं। लेकिन तो बात यह है कि बाकी मंदिर में सब लोग ग्राही देती है जो मंदिर के पुजारी, ऐसा इशू नहीं है मैम। जे एक हम जे चाहते हैं कि जो भगत बरादरी है, बटवाल बरादरी है, दूसरी बरादरी है, हम एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। 47 से लेके पीछे भी रहते थे हमारे बुजुर्ग, कल हमारे यहाँ जो रामदासिया बरादरी के घर में फंक्शन था, पर, हम 5-7 लोग उनके घर में जो क्रीमिशन क्रीमिशन करते हैं, एसटी का अलग है और नहीं नहीं एक ही है, बिल्कुल एक ही क्रीमिशन ग्राउंड है, सब वही करते हैं। अगर कोई अननेसेसरी इशू बनाए हम उसके नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से उन भाइयों को बोलते हैं यार इतना आपके भी बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा मत बुद्धि डालो कि इस इशू को आगे मत लेके जाओ, बाकी लोगों को गलत मैसेज जाता है, बाकी लोग भी बरादरी के हैं उन लोगों को गलत मैसेज जाता है, बाकी बरादरी को गलत इशू जाता है, इसलिए। शशि जी आप सरपंच बड़े ही काबिल एक रिप्रेजेंटेटिव इनसे जानना चाहेंगे, शशि जी क्या कहना चाहते, जो पूरा आपने वाक्या सुना, जो वीडियो पहले भी वायरल हुई, कुछ लोग परिवार थे वो कह रहे थे हमारे साथ बाइक और सोशली बाइकआउट किया, हमें परेशान किया जाता है, और कोई जमीन का मसला है बीच में, जो जड़ अगर देखी जाए ना, जमीन का मसला है, जो उनके नाम है उसी जमीन का लेकर बवाल है सारा, सही कह रहे हैं सर, तो क्या कहना चाहते हो आप? मैम सबसे पहले बड़े दुख की बात है कि 47 से पहले, जैसे मेरे भाई साहब ने बोला कि 47 से पहले से हम उधर रह रहे हैं, और आज ऐसा क्या हुआ कि ये जो पंचायत में बैठ के जो मसला हल करना था, जो जहाँ तक नौबत आ गई, कोई भी कानून जो है उससे हम भी सहमत हैं, कोई भी कानून मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी के भी हक का हो या किसी के खिलाफ हो, कानून का बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले अगर इनकी ज़मीन की बात थी, वो सुनने में आया है और मैंने पूछा भी है कुछ लोगों से कि ये गवर्नमेंट लैंड थी, सरकारी लैंड थी, ये पर्सनली इन्होंने ट्रस्ट बनाया, अगर इन्होंने ट्रस्ट बनाया वो जो वो ट्रस्टी थे या जो उस कम्युनिटी के लोग थे, जैसे बोल रहे हैं उस गांव में 50 फैमिलीज रहती हैं शेड्यूल कास्ट की, चाहे वो भगत बरादरी से है, चाहे वो बटवाल बरादरी या अदर बरादरी से है, उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? मैं देख रहा था फेसबुक पे, मैं काफ़ी दिन से ये चर्चा में आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मुझे दूसरी पार्टी वालों का भी फ़ोन आया था, मैंने उनको बोला था गाँव का मसला है, आप गाँव में बैठ के इसको हल कर सकते हो, ये वन साइड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो लोग बेचारे घर से आज जिनके ऊपर FIR लगी है, जिनके ऊपर FIR लगी है, मैं प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि इस FIR को वापस लिया जाए, और इनको पब्लिक में अपने जो जो रिप्रेजेंटेटिव ये किस लिए चुनते हैं, इलेक्टेड पर्सन क्यों चुने जाते हैं, ये डायरेक्टली इन्होंने गलत एक्ट यूज किया इस पर, पर जिस दिन, एक दिन बाद शशि पूछना चाहिए, पहले दिन जिस दिन वीडियो वायरल था तब FIR नहीं लगी थी, FIR 10 दिन के बाद लगी है, तो क्यों नहीं रिप्रेजेंटेटिव ने कोशिश की बिल्कुल बैठकर बात को सुलझाने? मैम एक्चुअली उसमें क्या है, जो अक्यूज्ड होता है जिसके साथ पहला प्रायोरिटी उसकी बनती है, भाई हमारे साथ ये मसला हो रहा है, हम रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप इसको क्या चाहते हो, अगर वो नहीं करते वो रिटर्न ले लेते,
उधर सरपंच हैं, पंच हैं, लंबड़दार हैं, वो किस लिए हैं? आसपास में कितनी पंचायतें हैं? ठीक है, उनको बिठाते, एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आते, उधर ऑफिसर लोग आते, पहले उनको चाहिए था इनको। मैं साफ तौर पर नकार रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। देखो प्रेजेंट उस पंचायत का पंच हूँ, मेरा नाम पूर्ण चंद। आपने कंप्रोमाइज करने की आपस में कोशिश नहीं की? बैठ के की हमने पंचायत को दिया जो सारा फैसला, हमने कहा कि सभी की एक मुश्तरका जमीन है तो सभी का हिस्सा उसमें बनता है, चाहे गवर्नमेंट अपनी तरफ से ले ले, चाहे पंचायत को दे दे। लेकिन इन सब लोगों ने पंचायत को लिख कर दे दिया, लेकिन पंचायत के हवाले होने के बाद भी ये जो इशू इन्होंने बताया वो नहीं है। मैं 52 साल से बाहर आया हूँ, मैं दूसरी जगह का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो रिलेशन है हूँ मैं भक्त बिरादरी रिलेशन से, लेकिन उनसे ज़्यादा जो यट तबका है इनके साथ है मेरा। वो मेरे घर वाली को बहन मानते हैं तो मैं उनको साला मानता हूँ, उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं पर कुछ वीडियो भी तो वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहा है लेकिन वो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है जो किया, बिल्कुल गलत है। गलत थोड़ी सर हो सकता है, वो तो कोर्ट भी प्रूफ मानता है सर, ऑथेंटिकेट प्रूफ माना। मेरा मतलब अगर मैं गलत बोल के जहाँ चला जाऊँ तो मैं भी तो उन्हीं बरादरी से हूँ, क्यों बोलूंगा? जब मैं 52 साल से जहाँ रह रहा हूँ तो इन लोगों के साथ ही मेरा रिलेशन है, वहीं पर मेरी जमीन है, वहीं मैं रहता हूँ। और बाकी जितने पंच हैं उनमें मैं बैठ कर एक ही थाली में खाते हैं, रिश्तेदारी बरादरी में जाते हैं तो बराबर उनके साथ मैं चलता हूँ, वो मेरे साथ चलते हैं, इसमें कोई ऐसा। ये लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है SC ST एक्ट का, पर ये भी लोग हैं क्योंकि हमारा काम है दोनों की बात को रखना। जी सर क्या कहना है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुरदयाल सिंह, मैं भक्त बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। जो जनकार सिंह है वो अपना भाई है, ठीक है, वो इतना शैतान और करप्टेड आदमी है, उसने जो मेरी जमीन है वो हड़प ली है, और जो मेरे बहन भाई रिश्तेदार मैं सभी को आपके सामने पेश करूंगा, वो गंदी सोच का आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मछली का तालाब बनाया है उधर कबीर साहब के नाम पर, तो कबीर साहब ने बोला है चल पर मछली खाई के कोट गऊ का दान तो भी माफ नहीं होता है, बुझो वेद कुरान, परमात्मा संत महात्मा सब सर्व सांझे होंगे ने, वो किसी ने जात पात ही नहीं बनते हैं। असं 50 साल साड़ी उम्र ही इतनी होगी जनाब, सारे ने बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल भैन भरा लिखा, किसी नाल कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं, और साढ़े जिन्हें भी साढ़े नाल उन्होंने कोई गल नहीं की, अं एक्ट बना लगे एक कमेटी बना लगे या कुछ तालाब पालना कुछ करना, चोरी चोरी किया दो चौ बंदे जो कुछ किया और गलत किया, जानकि अं सारे पिंड कहना सहमत हाँ, पिंड कहना ऐसी गल कोई नहीं है। उनके पास है ट्रस्ट के ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन हुई है, डॉक्यूमेंट गर्दोवरी सब चढ़ी होंगे, जो हुई है ना उसकी छानबीन होगी, ठीक है, हमारे पास भी कुछ जो प्रूफ हैं सबूत हैं जो कुछ वही कह रहा है, अगर अगर कानूनी गलत किया तो वो कानून देखेगा उनको, बिल्कुल फिर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। सुनो हम भी शेड्यूल कास्ट बिरादरी से बिलोंग रखते हैं, हम हमारे साथ किसी ने निजाई नहीं की, गांव में किसी ने निजाई नहीं की, जो उन्होंने केस लगाया है जो कुछ किया है जो जातिवाद का गलत है ये नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, हमने इसी गांव में रहना है, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जो सही है उसको सही। कौन से डॉक्यूमेंट है सर बताइए सर, गर्मी सर आप बैठो, आपने बुलाया है हम इसलिए आए हैं गर्मी में। मैडम जी मेरा नाम तिलक राज है, मैं शेड्यूल कास्ट कमेटी से बिलोंग करता हूँ। आप ही बैंक से रिटायर हैं? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ, ये मेरा शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपके पास है। हमने आपसे मांगा नहीं सर्टिफिकेट, हमारा काम है अपनी बात को रखना सर, किस कास्ट के किस कास्ट जो जो जितने आदमी का आपके मीडिया में आ रहे हैं उसमें देखना शेड्यूल कास्ट है कितने, पहले नंबर ये हमारा काम नहीं है सर, नहीं सर नहीं रिक्वेस्ट है, हमारा काम नहीं देखना सर, हमारा काम है आपकी बात को प्लीज सर रिक्वेस्ट जात पात को हमारा काम नहीं है सर रखना, हमें आप समझाइए सर बात, हमारे साथ कबीर ट्रस्ट बनाया है, ये हमारे पास कॉपी लेनी तो ले सकते हैं आप। अच्छा इस ये ट्रस्ट बनाया है, हमारे 42 आदमी और हैं वो कहाँ हैं? 11 ये 11 में से 6 रह गए हैं, बाकी चले गए, बाकी आदमी कहाँ हैं? जो 42 आदमी का आपको ऑलरेडी हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है वो मेमोरेंडम पढ़ोगे वो लोग कहाँ हैं, उनके बारे में क्या सोचा है क्या जब ये तो ये जिन्होंने ट्रस्ट बनाया तो वही जवाब ये मैं आपके मीडियम से ध्रुव आवाज पर बुलंद कर रहा हूँ कि हमारा हम शुरूकाश नहीं है, इन्होंने क्यों नहीं मैं पूछा, अंदर जाकर खुद बना लिया ट्रस्ट अपना, और यही प्रॉपर्टी ये अपने हिस्सों में डिवाइड करके वो आधे वो ले रहे हैं आधे वो ले रहे हैं, ये ऐसा हम होने देंगे? कबीर के नाम पर बनाया इन्होंने, कबीर का बताओ कहाँ रखा है, नहीं पता। कोई मैडम में मकान बनाते हैं उसमें कोई ना कोई रिश्तेदार आता है पत्थर रखते हैं, उनका कहना है वहाँ पे जो एक कमरा बनाया था उसमें मोटर थी मछलियों को पानी, ये नहीं है मेरी मैडम जी सच्चाई है, वो कमरा बनाया किसके लिए? मछलियों के लिए। तोड़ा किसने था सर? मैडम जी सुनो बात, मैडम जो कमरा बनाया वो उसमें मछली बेचते हैं, जो मछली बच जाती है वो कमरे में रखते हैं, क्योंकि मछली
थोड़ी देर में मर जाती है, वो दूसरे ने व्यापारी आते हैं वो ले जाते हैं। उनका इल्जाम था तोड़ा गया, तोड़ किसी ने नहीं तोड़ा, जबकि पाप उठा के ले सर किसी ने नहीं पड़ा देगा। मैंने मैंने आपके पहले रिक्वेस्ट की थी कि जो जो माछी देखता है ना, अगर जो जाल देखता है अगर माछी देखे तो माछी मर जाए। मैं आपके आपको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि कितनी बार मैडम जी प्लीज़ हमारे गांव में आओ, एक बार आओ, लेकिन हमारी बात किस्मत आप नहीं आए लगे, आप हमें मजबूर आपके चरणों में। हम उनके लिए भी नहीं आए तो आपके लिए भी नहीं आए, या तो कहीं ना उनके लिए आए तो आपके लिए नहीं आए। नहीं हमारे लिए तो दोनों नहीं, मैडम जी आए नहीं, आप आए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ से भी कहा था यहाँ पर आइए। मैडम जी मैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी तरफ से आप मैडम जी आओ ग्राउंड पे देखो, ग्राउंड पे जो चीज यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर एग्जीबिशन है, आप क्या देखोगे, यहाँ पर कुछ और चीज है। जब जब बेसिकली चावल की कीमत कौन जानते हैं, जिमीदार जानते हैं, उनको पता जो खेतों में लगा रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मग्गो वाली के वहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे हर तरह हर मतलब समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित है। जिस तरह से वो जो पहला पक्ष है तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि हमें यहाँ पर हरास किया जाता है, हमें सोशली बाइकआउट किया गया है, पर इनका ये कहना ऐसा कुछ नहीं है, SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन को लेकर से सारा जो परेशानी बनी एक ज़मीन को बनी है, पर इनका यही कहना है कि हम प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं इसकी पूरी तरह से जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारा काम था दोनों की बात को रखना, अब ये वहाँ के प्रशासन और पुलिस को देखना है किस तरह से इस केस को, और खास करके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को, कि अगर वाकई गलत किया है तो उनको भी पनिश मिलना चाहिए, अगर इन्होंने गलत किया तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोनों के लिए कानून दोनों के लिए बराबर है। अपने सुझाव कमेंट जरूर रखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।